हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, सो तारक मेहता का ओल्ड एस्मा फैंस के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आई है। गाइस, अगर आप भी तारक मेहता शो के फैन हैं तो गाइस ये खबर है आपके लिए काफ़ी। भाई, आप सभी को पता है कि तारक मेहता शो हमेशा TRP लिस्ट में टॉप 5 या फिर टॉप 10 में शामिल रहता है। और अगर बात करें पिछले कुछ टाइम की, तो तारक मेहता शो TRP लिस्ट में टॉप 5 में नहीं बल्कि टॉप 10 में बना हुआ था। लेकिन रिसेंटली जो TRP चार्ट आया है उसमें जो शो नंबर 1 की पोजीशन पे है वो है ये रिश्ता क्या कहलाता है। नंबर 2 पर है कुंडली भाग्य, और नंबर 3 पे ये रिश्ते प्यार के, और नंबर 4 की पोजीशन पे आता है कुमकुम भाग्य, और नंबर 5 पे आ चुका है इस समय तारक मेहता का ओल्ड एस्मा। जी हाँ दोस्तों, इस समय तारक मेहता का ओल्ड एस्मा TRP लिस्ट में टॉप 5 में है, यानी कि 5वें नंबर पे है। जिसका कि एक मेन रीजन ये भी है कि रिसेंटली शो के अंदर एक नई किरदार की एंट्री हुई है, यानी कि सोनू के किरदार में पलक सिंधवानी इस शो का हिस्सा बनी है। तो मेक श्योर दैट तारक मेहता शो में जो आगे स्टोरी आने वाली है वो सोनू के ऊपर ही बेस्ड होने वाली है। और क्योंकि ये स्टोरी इस समय टप्पू सेना की कॉलेज लाइफ के ऊपर चल रही है, तो इस समय फैंस को काफी एंटरटेन भी कर रही है। फिलहाल तो तारक मेहता फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि तारक मेहता शो TRP लिस्ट में नंबर 5 पे है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।